आज हम आपको जीन की वह तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें आप समझेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना वायरस की महामारी को लेकर जो 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है, आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे कि यह महामारी से लड़ने के लिए सभी का कर्तव्य है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सारा संसार स्वस्थ है। वही पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जीन के लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, दुकानों पर नजर आ रहे हैं, वही सब्जी मंडी में भी नजर आ रहे हैं। इनको जरा सा भी खौफ नहीं है कि इनकी एक छोटी सी भूल कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है। जब यह स्थिति नहीं संभली तो दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जींद के एसएसपी अश्विनी सैनवी और डीसी आदित्य दहिया ने खुद मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से समझा बुझा कर खदेड़ा। और पीछे पीछे तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जिस रास्ते से एसपी डीएसपी का काफिला गुजर रहा था उसके पीछे बिल्कुल पूरी तरह से लोग वहां से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। और वहीं जींद एसएसपी ने लोगों को समझाते हुए कहा, आप पुलिस का सहयोग करें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बताया है कि लॉकडाउन के वक्त घर से बाहर ना निकले और बहुत ही महत्वपूर्ण है तो बाहर आए और जैसी भी सिचुएशन है उसको घर पर ही रहकर समाधान निकालने की कोशिश करें। जिला वासियों से अपील है कि पुलिस का सहयोग करें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल बताया है और कि लॉकडाउन के वक्त कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है तो घर पे ही बने रही है। अगर एसेंशियल सर्विसेज का एक प्लान बन रहा है ताकि सोचा जा रहा है कि एसेंशियल सर्विसेज जैसे सब्जी फ्रूट दूध वो कैसे आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन अगर जैसे अब के हालत है जहां हमको आपको वहां जाके वहां लेना पड़ रहा है तो जरूर आपके लिए डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। 1.5 मीटर 5 फीट डिस्टेंस मेंटेन करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करिए, कोई काम पे नहीं जाना, कहीं पे भी नहीं जाना, आपको एसेंशियल आइटम्स लेके घर पे ही वापस जाना है। इसीलिए किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करिए, पुलिस कंट्रोल रूम हमेशा आपके लिए तत्पर है, हमें आप हमेशा उसको पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर सकते हो। एक अलग से हम प्रेस नोट भी देंगे इसके बारे में, 100 नंबर को आप कॉल कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट की हेल्पलाइन नंबर है कोविड की, उस पर भी कॉल करिए। जो एसेंशियल सर्विसेज की जो ट्रांसपोर्टेशन के बंदे हैं उनसे भी हमारी अपील यही रहेगी कि वो जो मूवमेंट होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो पुलिस वाले उनको रोक सकते हैं। हमने वहां भी बताया है पुलिस वालों को कि एसेंशियल सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन में जो इन्वॉल्व हैं वो बंदे अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। मार्केट कमेटी और जो ट्रेडर्स हैं, जो किराना स्टोर्स हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जो भी उनकी दुकान के सामने एटलीस्ट जब भी वो कुछ करें दुकान के अंदर एलो ना करें और 5 फीट का अंतर रखें। और इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं वहां पे अलग अलग लाइंस लगे हुए हैं कि लोग खड़े करने के लिए, तो 5 फीट की दूरी पे लाइंस या सर्कल्स जो चौक पाउडर से उसको करें ताकि वहां पे वो लोग रहें और सारे एक दूसरे से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग मात्र एक इसका उपाय है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, अपने आप को सुरक्षित रहें। पुलिस आपके लिए हमेशा तत्पर है और चाहती है। जींद पुलिस की तरफ से मैं आपको यही आशय दिलाना चाहता हूं कि आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी और पुलिस की ड्यूटी को भी समझे कि पुलिस वाले भी आपको रोक रहे हैं एक पर्पस के लिए। तो एक मिलजुल के सोसाइटी पुलिस प्रशासन सारे इकट्ठे एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रहना चाहिए। धन्यवाद।